आप भी वही पति हैं जिसके ऊपर पत्नी ने झूठा डीवी का केस लगा दिया है। अगर आप भी ऐसी ही परेशानी का शिकार हैं, ऐसे ही केस का शिकार हैं कि आपके ऊपर लगा दिया है आपकी पत्नी ने झूठा केस और अब है आप बहुत परेशान होगा क्या, तो बता दूं मेरा ये वीडियो उन पतियों के लिए है जिसके ऊपर पत्नियों ने झूठा केस लगा रखा है और अब वो ये सोच रहे हैं कि करे तो क्या करे, हम इस केस में से कैसे निकले, हमने तो कुछ किया नहीं। तो यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ, सुप्रीम कोर्ट का मैं वो केस भी बताऊंगी और किस तरह से आप ऐसे केस में से निकल भी सकते हैं और बीवी को सबक भी सिखा सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक नया जजमेंट आया है जिसमें बताया गया है कि अगर बीवी लगाती है डीवी का झूठा केस तो उसको जुर्माना भी भरना पड़ेगा। और वो केस भी बताऊंगी जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने बीवी को 1 लाख रुपए का जुर्माना किया है क्योंकि उसने डीवी का झूठा केस लगाया था। यहाँ पे मैं क्लियर कर देती हूँ, फाइन भरना ही पड़ता है एवरेज में क्योंकि झूठा केस है। तो क्या करेंगे आप और कैसे होगा ये सब? आजकल डीवी के केस झूठे आने की आम बात हो गई है। कई बार होता है, कई केस होते थे जो सच होते हैं, ऐसा नहीं है सारे केस गलत होते हैं, लेकिन कई केस ऐसे भी होते हैं डीवी सिर्फ आदमी को उसके घर वालों को परेशान करने के लिए डीवी डालती है, उससे कंपनसेशन लेने के लिए डीवी डालती है, उससे मेंटेनेंस एंटीरियम मेंटेनेंस लेने के लिए डीवी डाल देती है। इस केस में हुआ क्या था पूरी जानकारी आपको देंगे और किस तरह ये केस आपके केस में 100% फेवरेबल हो सकता है ये भी जानकारी आपको देंगे। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए। केस ऐसे है कि पत्नी ने डीवी का केस किया था और कंपनसेशन की मांग की थी, लेकिन निचली अदालत ने देखा कि कोई भी जो दोष है आरोप है वो साबित नहीं कर पाई है, तो ये जो केस है वो खारिज कर दिया जाता है। अब पत्नी जाती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उसको जो है वो रियायत मिल जाती है, 5 लाख के कंपनसेशन और 25,000 रुपए इंटीरियर मेंटेनेंस के ऑर्डर हो जाते हैं। अब इसके लिए पति जाता है हाई कोर्ट और हाई कोर्ट से जो ऑर्डर होते हैं यानी कि जो ऑर्डर पहले हुआ है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, हाई कोर्ट से उसके ऊपर स्टे मिल जाता है। अब जब उसके ऊपर स्टे मिल गया तो पत्नी बेचारी हो जाती है नाराज, अब करेंगे क्या? अब पत्नी जाती है इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट में ये जब मामला जाता है तो माननीय सुप्रीम कोर्ट इस मामले को गहराई से देखता है और ये पाता है कि जितने भी आरोप पत्नी के द्वारा डीवी केस में लगाए गए हैं उनमें से एक भी आरोप पत्नी साबित नहीं कर पाई है। और अगर वो साबित ही नहीं कर पाई है कि ऐसा हुआ था, यानी कि मारपीट हुई थी, घर से निकाला था, ये बोला था, वो बोला था, दहेज मांगा था, जो भी है, वो एक भी आरोप साबित नहीं कर पाई है आसपास, तो ये केस बनता ही नहीं है। तो लिहाजा मेंटेनेंस और कंपनसेशन उसको नहीं दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को खारिज कर दिया और साथ ही साथ झूठे डीवी के केस लगाने की एवज में पत्नी को 1 लाख जुर्माना भी लगाया। तो यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ, अगर आप सही हैं तो आप इस केस को पूरी तरह से इस केस का फायदा उठा सकते हैं। केस जो है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको जरूर दूंगी ताकि आप उसका फायदा उठा सके और अपने साथियों को भी ये शेयर करें, क्योंकि आज एक आम बात हो गई है कि कई बार लड़कियां झूठ बोल देती है, झूठे केस डाल देती है सिर्फ पैसा लेने के लिए या आपको बेवजह परेशान करने के लिए। फिर भी अगर आप चाहते हैं हमसे बात करना, आपकी कोई क्वारी है, तो व्हाट्सएप नंबर पर अपॉइंटमेंट लेकर आप हमसे बात कर सकते हैं। धन्यवाद।